दोस्तों, कुत्ता बिल्ली तो हर कोई पाल लेता है, लेकिन कुछ महान लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अजीब जानवरों को पालने का शौक होता है। इन्होंने मगरमच्छ से लेकर गेंडे तक को पाल रखा है। आज हम आपको ऐसे ही 10 अजीबोगरीब पाले हुए जानवरों को दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर उस बाजू वाली घंटी को भी ऑन कर दे। नंबर 10, एशियन वाटर मॉनिटर, जिसे वाटर मॉनिटर या वारानस सेल्वेटर भी कहा जाता है। कोमोडो ड्रैगन के बाद छिपकलियों की जाति में यह सबसे बड़ी मानी जाती है, लेकिन इसे पेट रखने का ख्याल शायद किसी के दिमाग में नहीं आएगा। लेकिन एक औरत ने इसे अपना पालतू जानवर बना के रखा है और उसे रेक्स नाम भी दिया है। उसका कहना है कि रेक्स उन्हें तब मिला जब वो 2 से 3 महीनों का था और उसे वो घर लेके आए। लेकिन अब रेक्स किसी छिपकली की तरह छोटा नहीं बल्कि काफी बड़ा हो गया है। उसके मालिक का कहना है कि रेक्स आज 10 या 12 साल का है और उसका वजन 22 किलो है। रेक्स खाने में मछलियां और चूहे खाता है, लेकिन उसे गिलहरी और खरगोश ज्यादा पसंद है। ऐसे अजीब जानवर को हम में से शायद ही कोई घर पर रखना चाहेगा। नंबर 9, काइमान। काइमान मगरमच्छों की जाति का एक अलग जानवर है। यह काफी खतरनाक जानवर होता है, लेकिन जापान के इस आदमी को यह बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लगता। इस आदमी ने 34 साल पहले यह काइमन एक लोकल एनिमल फेस्टिवल से खरीदा था। तब से वो उस आदमी के साथ रहता है। इस आदमी ने जापान की सरकार से इस जानवर को अपने साथ रखने की परमिशन भी ले रखी है। वो आदमी इस काइमन के दांत ब्रश करने से लेकर उसे बाहर शहर पर ले जाने के सारे काम करता है, जिससे वहाँ के न्यूज चैनलों ने उनकी ये अजीब दोस्ती को टीवी पर भी दिखाया है। काइमन अपना ज्यादातर समय अपने रूम और उसके लिए बनाए गए पूल में ही बिताता है। काइमन के मालिक का कहना है कि उसे काइमन की खाने की आदतों पर काफी ध्यान देना पड़ता है और समय समय पर उसे काइमन के रूम के दरवाजे अक्सर बदलने पड़ते हैं, जो कि उसके आने जाने की वजह से टूट जाते हैं क्योंकि ये चावल के भूसे और पेपर से बने हुए हैं। नंबर 8, अल्पाका। ये ऊंट की तरह दिखने वाला जानवर है, जिसके शरीर पर भेड़ की तरह ऊन होता है। इसका सिर छोटा और कान बहुत बड़े होते हैं। कहा जाता है कि अल्पाका ऊंटों की एक अलग प्रजाति है। साउथ ऑस्ट्रेलिया में एक 13 साल के बच्चे मैट को उसके पिता ने क्रिसमस पर अल्पाका गिफ्ट किया था। तब से ये अल्पाका उसके साथ ही रहता है। वो उसे हर जगह जैसे कि पार्क, बीच, इन पर लेके जाता है। मैट ने इस अल्पाका को चेवी नाम दिया है। इस नाम से उसने चेवी का एक इंस्टाग्राम पेज भी बनाया है, जिसमें मैट ने कई वीडियोस और फोटोज भी डाले हैं और चेवी को इंटरनेट का स्टार बना दिया है। नंबर 7, ऑटर। ये काफी प्यारा और क्यूट जानवर है, जिसकी काफी आदतें बिल्ली से मेल खाती है। इन्हें इंसानों के साथ खेलना, उनके ऊपर सोना और अलग अलग आवाजें निकालना बहुत पसंद है। इनकी आवाज कानों के लिए उतनी सुरीली नहीं लगती। कई बार वो अपनी आवाज से कुछ लोगों को कान में उंगलियां ठूसने पर भी मजबूर कर देते हैं। फिर भी लोग इन्हें पालते हैं। नंबर 6, रेंडियर। रेंडियर, जो कि कैरिबो के नाम से भी जाना जाता है, नॉर्थ अमेरिका में पाया जाने वाला यह रेंडियर हिरन की जाति का एक जानवर है। बर्फीले इलाकों में रेंडियर स्लेज खींचने के काम आते हैं, यानी कि सेंटा क्लॉस की गाड़ी को तो हमने देखा ही होगा। लेकिन सावोकोस्की नाम के एक शहर में पिया कैनोन नाम की एक औरत ने रेंडियर को अपना पेट रखा है और उसे आटू नाम दिया है। कैनन आटू को अपने घर में लेके आई। आटू बाकी रेंडियर से काफी अलग है। उसे बर्फ में बाहर घूमने के बजाय घर में रहकर टीवी देखना ज्यादा पसंद है। कैनन ने आटू को कई आदतें सिखाई है, जैसे कि घर में आराम से चलना, लकड़ी के फर्श पर आहिस्ता चलना वगैरह। टूरिस्ट आटू को देखने के लिए काफी दूर से आते हैं। नंबर 5, हिप्पो। अगला जो जानवर इस लिस्ट में है, उसे शायद ही कोई पेट रखना चाहेगा, क्योंकि यह साइज में काफी बड़ा और खतरनाक भी है। मैं बात कर रहा हूँ एक हिप्पो की। जेसिका नाम का यह हिप्पो साउथ अफ्रीका का एक मशहूर हिप्पो है, जिसे टोनी और शर्ली ने अपना पेट रखा हुआ है और वो लोग उसे अपना खुद का बच्चा मानते हैं।
जेसिका एक अनाथ हिप्पो है जिसे टोनी ने क्रगर पार्क से अडॉप्ट किया था। टोनी एक रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर होने की वजह से जानवरों को काफी ज्यादा समझते हैं, इसलिए वो जेसिका को अपने घर ले आए थे और उसे अपने बच्चों की तरह उन्होंने बड़ा किया। तब से जेसिका उनके साथ ही रहती है। टोनी का कहना है कि भले ही दिन भर जेसिका उनके घर के पीछे के तालाब में रहती है और वो जगह उसकी मनपसंद जगह है, लेकिन रात होने पर वो घर में चली आती है। जेसिका को इंसानों के साथ खेलना बहुत पसंद है। जेसिका का वजन करीब 1.2 टन है और वो काफी मशहूर हिप्पो है जिसने 90 फिल्मों में काम किया है। नंबर 4, फॉक्स, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश या फिर चिड़िया, इन जैसे जानवरों को पेट रखना काफी लोग पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप एक फॉक्स को पेट रखेंगे? अमेरिका में एक लड़की एड्रिना ने एक फॉक्स को अडॉप्ट किया है जिसे वो अपना पेट फॉक्स मानती है। जूनिपर एक छोटा फॉक्स है जिसे एड्रिना ने बहुत ही छोटी उम्र में अपना पेट रखा है। एड्रिना का कहना है कि जूनिपर को संभालना और उसकी परवरिश करना काफी मुश्किल था, लेकिन काफी सालों के बाद अब जूनिपर उसकी बात समझने लगा है। उसी घर में जूनिपर का एक दोस्त मूस भी रहता है जो कि एक कुत्ता है, जिसके साथ रहकर जूनिपर एक कुत्ते की तरह ही सब में घुल गया है। जूनिपर एक खुशमिजाज फॉक्स है और इंसानों के साथ रहना पसंद करता है। एड्रिना ने जूनिपर का एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाया है जिसकी वजह से जूनिपर आज एक काफी मशहूर फॉक्स है। नंबर 3, बियर। बियर यानी भालू, जो कि एक बहुत खतरनाक जानवर है। आपको बता दूं कि भालू एक इंसान को आराम से मार गिरा सकता है। ये बहुत ही ताकतवर और गुस्सेल होते हैं, लेकिन स्टीफन एक काफी अलग तरह का भालू है जिसे रशिया में स्वेतलाना और यूरी पैंट्स ने 3 महीनों की उम्र में ही एडॉप्ट कर लिया था और आज 23 साल बाद जो कि एक बड़ा विशाल भालू बन चुका है, फिर भी आज वो स्वेतलाना और यूरी के साथ ही रहता है। वो उनके साथ कई काम भी कर लेता है जैसे कि गार्डन में पानी देना, उनके साथ टीवी देखना। यूरी का कहना है कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, और ये बात सच भी है, लेकिन वो एक बहुत ही शांत भालू है जिसने पिछले 23 सालों में उन्हें एक खरोच भी नहीं मारी। स्टीफन दिन में 25 किलो तक खाना खाता है जिसमें मछली, सब्जी और अंडे भी होते हैं, और साथ ही वो फुटबॉल और कई तरह की गेम्स भी खेलता है। स्टीफन ने कुछ मूवीज और फोटोशूट में भी काम किया है। नंबर 2, बफेलो। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अमेरिका के एक शहर टेक्सास में रॉनी और उनकी पत्नी शेरोन ने अपने 50 भैंसों को बेचकर एक छोटा भैंस का बच्चा अडॉप्ट कर लिया और उसे घर लेके आए। शेरोन उसे अपने बच्चे की तरह रखती है और उन्होंने उसे एक अलग कमरा भी दिया हुआ है। जब लोगों ने उनसे उस बफेलो के व्यवहार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो अनुशासन पसंद करता है और घर में उनके साथ काफी अच्छे से रहता है। हालांकि उसके भारी शरीर की वजह से रॉनी और शेरोन की जान जाते जाते बची, लेकिन उन्होंने फिर भी उसे घर में आने के लिए कभी नहीं रोका। और दोस्तों, नंबर 1 पर आता है पोलर बियर। दिखने में भले ही बहुत प्यारे लगे, खूबसूरत लगे, लेकिन पोलर बियर्स बियर्स की जाति के सबसे बड़े और खतरनाक जानवर है। लेकिन कनाडा के एक एनिमल ट्रेनर मार्क डुमास को शायद ही इस बात से कोई फर्क पड़ता है जिसका बेस्ट फ्रेंड एजी है, जो कि एक पोलर बियर है। मार्क ने एजी को जू से अपना पेट रखने के लिए अडॉप्ट किया था। तब एजी सिर्फ 6 हफ्तों का था। मार्क ने एजी को अपने बाकी पेट्स के साथ ही बड़ा किया जैसे कि कोई नॉर्मल पेट हो, लेकिन अब क्योंकि एजी 16 साल का हो गया है और उसका वजन लगभग 370 किलो तक है, इसलिए मार्क उसे अपने साथ घर पर अभी नहीं रख सकता और उन्हें उसे एक जू को देना पड़ा। लेकिन उससे उनकी दोस्ती में कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। मार्क अक्सर एजी से मिलते, उसके साथ स्विमिंग और कुश्ती करते रहते हैं। हालांकि मार्क ये जानते हैं कि गुस्सा आने पर एजी काफी खतरनाक हो सकता है, लेकिन चूंकि उन्हें 40 साल के एनिमल ट्रेनर होने का अनुभव है, उनका कहना है कि वो एजी के स्वभाव को देखकर ही उसका गुस्सा समझ जाते हैं और उसे शांत कर लेते हैं। अब इस फोटो को देखिए, ये इंसान कौन और कहाँ का है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इसने जिस जानवर को पालतू बनाया है वो बेहद ही खूंखार और जंगली जानवर मालूम पड़ता है। तो दोस्तों, आपको इन सब में से सबसे ज्यादा अलग पेट कौन सा लगा और आप इनमें से
कौन से जानवर को पालतू जानवर बनाना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाले बेल को भी क्लिक कर दो। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना।